हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्टेट हाईवे 31 रामसीन भिनमाल रानीवाड़ा का काम शीघ्र शुरू हो। देवल 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र के 16वें दिन रानीवाड़ा विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने स्टेट हाईवे 31 रामसीन भिनमाल रानीवाड़ा के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने से आम जन को हो रही परेशानी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक देवल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाट से कहा कि यह स्टेट हाईवे न केवल रानीवाड़ा बल्कि 3 विधानसभा क्षेत्र सांचौर रानीवाड़ा एवं भिनमाल की जनता के लिए जालौर जिला मुख्यालय जोधपुर संभाग मुख्यालय एवं जयपुर प्रदेश मुख्यालय को आने जाने वाली मुख्य सड़क है और इस सड़क पर 3 प्रमुख धार्मिक स्थल सुंधा माता मंदिर 72 जीनालय एवं शेमसरी माता मंदिर है जहां साल भर से करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शनार्थ करने आते हैं जो सड़क की खराब स्थिति के कारण मात्र 60 किलोमीटर की दूरी से 2.5 से 3 घंटे में तय कर पाते हैं और सड़क की इस दुर्दशा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम जन प्रतिनिधियों पर तंज कसते हैं जबकि सड़क की मरम्मत एवं नवीकरण के लिए मैं पिछले 3 साल से प्रयासरत हूँ। पिछले वर्ष के बजट घोषणा में मुख्यमंत्री ने इस सड़क के नवीनीकरण की घोषणा भी की थी लेकिन पूरा 1 साल निकल गया अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और मंत्री ने मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में उत्तर दिया है कि जून 2022 से काम शुरू होगा। देवल ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सड़क का आखिरी बार नवीनीकरण का कार्य 2012 से 13 में हुआ था और पेचवर्क का कार्य आखिरी बार 2020 से 21 में हुआ था। करीब 10 साल बाद नवीनीकरण की और 1 साल से ज्यादा पेचवर्क का हो गया है। सड़क में 1 से लेकर 2 फुट गहरे गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री से आग्रह करता हूँ कि या तो इस सड़क का काम जल्दी चालू करवाया जाए या फिर इसके पेच पर का काम कराया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। विधायक देवल के आग्रह पर मंत्री ने मुख्य अभियंता से दूरभाष पर वार्ता कर अप्रैल महीने से काम शुरू कराने अथवा तब तक पेच पर कराने के लिए निर्देशित किया। जागरूक टीवी के रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।